second wave propagation, that is the sky wave propagation. So start, this is the sky wave propagation diagram. In this we see that there are the layers, that is D layer, E layer, F1 layer, F2 layer. Okay, these layers are called as ionosphere layers. Okay, and this is the transmitting antenna, and this transmitting antenna will transfer the wave, and on E2 layer it will be reflected back. So the first point in sky wave propagation is that in the sky wave propagation, the transmitted signal travels into the upper atmosphere, then it bent or reflected back from there to earth. ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है. इन स्काई वेव प्रोपोगेशन क्या होता है, जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है, ट्रेवल्स होता है, वो क्या करता है, अपर एटमोस्फियर में क्या होता है, ट्रांसमिट ट्रेवल्स होता है, और उसके बाद में वो क्या होता है, देन इट बेंड. यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, और रिफ्लेक्टेड भी बोल सकते हो. यहाँ से फिर ये क्या हो रहा है, अर्थ की इस पे रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम देयर टू अर्थ. ठीक है, तो स्काई वेव प्रोपोगेशन में ये जो है रिफ्लेक्ट होती है वेव. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, दिस बेंडिंग और रिफ्लेक्शन ऑफ द सिग्नल टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेयर कॉल्ड एज आयनोस्फीयर. ठीक है, ये जो बेंडिंग है लेयर की, या फिर सिग्नल जो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, वो किसके वजह से होता है, बिकॉज ऑफ दिस इज द आयनोस्फीयर लेयर्स. ओके, उसके बाद में जो है आयनोस्फीयर लेयर्स को डिटेल्स में देखेंगे. द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ स्काई वेव प्रोपोगेशन इज 3 MHz to 30 MHz. ऑलरेडी हम लोगों ने जो है टाइप्स ऑफ वेव प्रोपोगेशन में देखा था कि स्काई वेव प्रोपोगेशन की जो रेंज है वो कितनी रहती है, दैट इज 3 MHz to 30 MHz. ठीक है, तो इसके बाद में जो है हम लोग आयनोस्फीयरिक लेयर्स देखेंगे डिटेल्स में. सी, दिस इज द आयनोस्फीयरिक लेयर्स, दैट इज द डी लेयर, ई लेयर, F1, F2. ओके, सो द डिटेल एक्सप्लेनेशन इज दैट इज ड्यू टू आयोनाइजेशन, दिस पार्ट ऑफ और एटमोस्ट एटमोस्फेरिक बिकम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज. जो आयोनाइजेशन प्रोसेस होती है उसकी वजह से क्या होता है, जो भी एटमोस्फेयर है बिकम्स इलेक्ट्रिकली क्या होता है, चार्ज होता है. और इधर जो है द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं. दिस लेयर ऑफ आयन्स इज नोन एज आयनोस्फीयर. ओके, उसी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज आयनोस्फीयर लेयर, जिसमें क्या होते हैं, फ्री आयन्स प्रेजेंट होते हैं, और ड्यू टू आयनाइजेशन वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है एटमोस्फीयर, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर. ठीक है, इट इज थिक बट इनविजिबल लेयर. ये कैसी रहती है, थिक रहती है बट वो इनविजिबल लेयर रहती है. ठीक है, सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट है, द डी लेयर इज द लोवेस्ट एंड हाइएस्ट ऑफ अबाउट 70 km फ्रॉम द अर्थ सर्फेस. जो डी लेयर है वो कैसी है, लोवेस्ट है, लास्ट की लेयर है, और उसका जो हाइट है वो कितना रहता है, अबाउ 70 km रहता है. ठीक है, अबाउ 70 km डी लेयर रहती है फ्रॉम अर्थ सर्फेस. ओके, इट इज द थिकनेस इज अबाउट 10 km. इसकी जो थिकनेस है वो कितनी रहती है डी लेयर की, 10 km रहती है. एंड द डी लेयर डिसअपीयर एट द नाइट ड्यू टू रिकम्बिनेशन. जो डी लेयर है वो क्या होती है, नाइट में डिसअपीयर होती है, बिकॉज ड्यू टू द रिकम्बिनेशन, जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो क्या होते हैं, रिकम्बाइन होना स्टार्ट होते हैं नाइट में, उसके वजह से ये जो डी लेयर है वो क्या होती है, दैट इज डिसअपीयर होती है, दिखती नहीं है. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखो, द नेक्स्ट लेयर इज द
ई लेयर विच इज प्रेजेंट एट द हाइट ऑफ 100 किलोमीटर. अभी ये और सरफेस से कितनी किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, ठीक है. और इसकी कितनी थी, डी लेयर की 70 किलोमीटर थी. ओके उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ई लेयर का, दैट इज इट हैज अ थिकनेस ऑफ 25 किलोमीटर. इसका थिकनेस कितना है, 25 किलोमीटर है. और इसका कितना था, दैट इज 10 किलोमीटर, ठीक है. उसके बाद में इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, द ई लेयर डिसअपीयर एट द नाइट ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन. ये भी क्या होता है, सेम होता है डी और ई लेयर के साथ में, नाइट में क्या हो जाती है, वो डिसअपीयर होती है ई लेयर बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन. ओके देन बाद में F1 लेयर का देखेंगे, द F1 लेयर इज प्रेजेंट एट अबाउट 180 किलोमीटर. F1 लेयर कितनी इसमें होती है, 180 किलोमीटर में होती है हाइट उसकी, 180 किलोमीटर होती है. एंड हैज अ थिकनेस ऑफ 20 किलोमीटर. इसका थिकनेस कितना होता है F1 का, 20 किलोमीटर. ओके उसके बाद में जो F2 लेयर है, F2 लेयर इज प्रेजेंट एट अबाउट 250 किलोमीटर. F2 लेयर का होता है 250 किलोमीटर हाइट होता है और 250 to 400 किलोमीटर क्या होता है, हाइट होता है. और एंड इज थिकनेस ऑफ 200 किलोमीटर. थिकनेस कितनी होती है, 200 किलोमीटर. ओके ऑफ द एट द एट दैट डे टाइम. ओके उसके बाद में ये हो गए चारों लेयर. लास्ट जो पॉइंट है वो है जो है एफ लेयर. जो एफ लेयर है वो जो है नाइट में भी आपको दिखती है. सो ड्यू टू द हाई आयोनाइजेशन डेंसिटी द एफ लेयर रिमेन्स प्रेजेंट इवन ड्यूरिंग नाइट टाइम. ओके एफ लेयर की जो डेंसिटी है वो कितनी रहती है, ज्यादा रहती है. इसलिए आप लोगों को जो है जो नाइट में भी जो लेयर दिखती है वो कौन सी रहती है, दैट इज द एफ लेयर. ओके सो दिस सी द पॉइंट्स विच आर एक्सप्लेन इन डिटेल प्रीवियस सी इन अ स्काईवे प्रोपगेशन. The transmitted signal travels into the upper atmosphere, then bent or reflected back from there to earth. Okay, this bending or the reflection of the signal takes place due to the presence of the layer called as ionosphere. Okay, frequency range of sky wave propagation is 3 megahertz to 30 megahertz. Then ionosphere ka detail explanation hai. Due to the ionization, this part of atmosphere becomes electrically charged. The free electrons are also present. This layer of ions is known as ionosphere. It is thick but invisible layer. Okay. D layer is the lowest and highest of about 70 kilometer from the earth surface. It is thickness is about 10 kilometer. The D layer disappear at the night due to recombination. Okay. Next it is the next layer is a E layer, which is present at the height of 100 km from the earth surface. It has a thickness about 25 km. The E layer disappears at the night due to again, that is recombination. Okay. Next it is the F1 layer is present at about 180 km height and has a thickness of 20 km. Okay. Next it is the F2 layer is present at about 250 kilometer to 400 kilometer height and thickness of the 200 kilometer at the day time. Okay. Last point is due to the high ionization density, the F layer remains present even during the night time. Okay. This is the detailed explanation of sky wave propagation. So, thank you.